हाँ जी बेटा, प्रीवियसली वी हैव डन एग्जाम्पल 6 ऑन पेज 61 एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ वी adjust the negative sign according to the quadrant given. If it is in third quadrant, we have to see in the third quadrant which one is positive. Tan is positive, so that means put a positive sign, otherwise treat all the other quadrant as a negative, because in the third quadrant they are negative. Okay, chaliye. So based on this, we are having exercise 3.2, question 1 to 5. Let us do one question. Aap sab karoge, let us do question number 5th. Okay, क्वेश्चन नंबर 5th बेटा, जल्दी जल्दी सब बच्चे करके मुझे दिखाएंगे कॉपी पे. हरी अब क्वेश्चन नंबर जो है 5th मेरे पास जो है, tan x इज इक्वल्स टू -5/12 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. जल्दी जल्दी बेटा हरी अप. ऑल ऑफ यू हैव अ बुक. इफ द स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर बुक एंड शो मी योर कॉपीज. हरी अप, बी फास्ट बेटा, बी फास्ट. बी फास्ट. I have already told you how to do this question. Jaldi jaldi, we have done example 6. First part dekhe, kaise karenge, kaun batayega? Japan Jyot. Chalo beta, Japan Jyot bataiye. Okay, Riddhi has done. Nice, chaliye, dekhte hain. Chaliye. Okay. In the second quadrant, sign is positive, बिल्कुल correct है. Cos is negative. Other three you have not calculated. Other trigonometry means you have to calculate sign, everything you have. Let us see Divyanshi copy. Divyanshi, दोबारा on कीजिए video. Wait. हाँ जी. Divyanshi, cos negative, then secant negative, cot negative, tan is given to us negative. Okay, 100% clear. Theek hai beta, that is okay. Chaliye, now jo hai, let us start with the next. Okay Riddhi, scene beta. Okay, abhi jo humne ye question ki hai, ये बिल्कुल एग्जाम्पल 6 पर बेस था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था. ठीक है, अब हम करेंगे. हमने अभी तक, अगर आपने 10th में देखा होगा, साइन जो है वैल्यूज निकाली 0, 30, 45, 60, 90. इसके अलावा भी तो हमारी लाइफ में एंगल्स है ना, अब उन्हीं को हम करेंगे. ओके, वी हैव टू डू दैट बेटा. अब उसके लिए हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसका मल्टीपल ब्रेक करें. ओके, और मैं आपको बता दूं कि जैसे साइन 2 n π + θ मेरे पास है, तो मुझे पता है ये साइन थीटा होता है. ओके, ऐसे कॉस 2 n π + θ, आई नो इट, वो कॉस थीटा होता है. ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव हो जाता है, फोर्थ से फर्स्ट में. तो जब, क्योंकि 2π मूव करके वो वही आ जाएगा जहां पर उसकी वैल्यू, 2 n π मूव करके. 2 n π का मतलब 360 का मल्टीपल, मतलब जितना मर्जी मूव कर लो, आना उसने कहा है, जहां पर वो है. ठीक है ना, तो इसीलिए वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो सेम हो जाती है. ओके, तो हम ना साइन क्रॉस की पीरियडिसिटी भी 2π कहते हैं. पीरियडिसिटी मीन्स ऐसा कौन सा पीरियड है जिसके बाद वो वैल्यू क्या हो, रिपीट होनी शुरू हो जाए. ओके, लेकिन टैन की पीरियडिसिटी पाई होती है, n π + θ हम लेते हैं तो वो टैन थीटा होता है. कॉट की भी वही होती है, लेकिन मिनिमम पीरियडिसिटी मतलब मिनिमम वैल्यू, तो इसीलिए वो टैन पाई
मेरे पास प्लस थीटा जो है ना वो टेन थीटा, तो पाई जो है वो मिनिमम वैल्यू है जिसके बाद वो वैल्यू रिपीट होती है टेन की कॉट की, इसीलिए हम टेन की पीरियोडिसिटी पाई कहते हैं। ओके क्लियर। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं पर बेस्ड। अब मैं ये वैल्यूज कैसे निकालती हूँ, लेट अस सी। जो है सबसे पहले जब मेरे पास एंगल डिग्रीज में दिया हो, ठीक है 765 डिग्री, ओके मैं क्या करती हूँ 360 ऐड करके देखती हूँ। मुझे पता है 360 प्लस 360 मेरे पास 720 हो गया। अब मुझे पता लग गया कि 720 ब्रेक करूं मैं यहाँ पर, उसका फायदा क्या होगा कि 720 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि देखा जाए तो ये 2 पाई मीन्स 360 इंटू एन 2 हो गया ना। तो अभी मैंने बताया कि 2n पाई प्लस थीटा हो तो साइन थीटा की आता है और इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई। कोई मुश्किल नहीं होता निकालना, डिग्रीज में पता चला कैसे होता है, ठीक है। अब अगर एंगल मुझे दिया रेडियंस में तो मैं कैसे सोचती हूँ, लेट अस से अब रेडियंस में है तो मैं कैसे सोचती हूँ, टेन मेरे पास जो है 9π/3। रेडियंस में मैं कैसे सोचती हूँ, जो डिनोमिनेटर में है ना उसका ऊपर मल्टीपल ब्रेक करना है, बस 3 के टेबल में 19 के आसपास क्या आता है, एक 18 आता है, एक 21 आता है, 18 ज्यादा पास है तो मैं 18 से ब्रेक करूंगी 18π/π, मतलब 19 को ब्रेक किया 18+1 है ना बाय 3, इसको ब्रेक कर दो तो मेरे पास जो है 6π+π/3। ओके अब फिर वो ये एन पाई हो गया ना बेटा, एन पाई मैंने बताया टेन एन पाई प्लस थीटा, टेन थीटा होता है और ये कितना हो गया 60, दैट मीन्स √3। ओके जी बात समझ आई मेरा बेटा सबको, बस यही लॉजिक इस पूरी एक्सरसाइज में और कुछ नहीं, यही अब आपका काम है, कुछ भी नहीं। 3.2 एक्सरसाइज के ना 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 15 मिनट्स का काम है, सिर्फ 15 मिनट्स का, बस ये करना और कुछ नहीं मैं कह रही। और दो एग्जांपल्स होंगे वो साथ में कर लेना, देखो एक पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके में से बनता ही बनता है, तो क्यों नहीं करें हम जब हमें नजर आ रहा है, विजिबल है। ओके क्लियर, तो हमें ये करना है, हमारा टारगेट 2-2 करके ही हम इतनी बनाएंगे, 40 बनाएंगे, ठीक है ना, तो पहले 2-2 करें, क्लियर। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है पहले फॉर्मूलेस करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। एक काम ये है संडे का कि आपने इतना करके आना है, दूसरा नेक्स्ट पेज पे ना पेज 63 पे और 64 पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री के एक पेज पे फॉर्मूले लिख लो, नहीं लर्न हुए एक पेज पे लिखो, अपने सामने रखो, मैंने पूछने आपसे क्योंकि हमने किए हुए हैं, आपको पता हुआ मैडम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, जब ये पता लग जाएगा तो लर्न भी हो जाए। दिस इज योर होमवर्क, नथिंग एल्स। ओके क्लियर बेटा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले थोड़े से आपको स्टार्ट करवाती हूँ क्योंकि टाइम है हमारे पास, मैंने जान मुझ के बाकी 2 पार्ट्स नहीं करवाए, 3 पार्ट्स कि लेट यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके चलिए अब देखो, मैंने भी तो लर्न की है ना, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता, मैंने सिर्फ ये याद किया हुआ को कॉज वाला कंज्यूम करता है नेगेटिव साइन को और कोई नहीं करता, तो कॉज माइनस एक्स जो है वो मेरे पास कॉज एक्स होता है, सेकेंट माइनस एक्स जो है कॉस का उल्टा सेकेंट, ये भी कंज्यूम करेगा मेरे पास तो सेकेंट एक्स आ जाएगा, साइन का को सेकेंट माइनस एक्स जो है वो माइनस को सेकेंट एक्स आ जाएगा, टेन का माइनस एक्स जो है माइनस टेन एक्स आ जाएगा, कॉट का माइनस एक्स एंगल जो हो तो वो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। ओके क्लियर। इसके बाद कौन से फॉर्मूले हमने लर्न करने हैं, ए प्लस बी के, मतलब साइन के अंदर दो दो एंगल्स हैं, कॉस के अंदर 2 एंगल है, टेन के अंदर, बस ये मेन साइन कॉस टेन का ही होते हैं, सीकेंट कोसीकेंट
कॉट के नहीं करने की जरूरत है, कॉट का करना कर लो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने भी तो लर्न किया, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, कैसे लर्न हुआ मुझे? मेरा भी माइंड आप जैसा ही था बेटा, कैसे लर्न किया मैंने? बार बार, जब बार बार कर लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर, बात समझ आई बेटा सबको? बार बार रोज के फॉर्मूले करो, देखो कैसे आपको याद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा जी, क्लियर? चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। मेरे पास जो है cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, ओके। आफ्टर देन मेरे पास जो है sin a minus b, जो ये फॉर्मूला सेम, सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव साइन लगा देना है, तो मेरे पास sin a cos b minus cos a sin b, हाँ जी cos a minus b that is cos a cos b, माइनस है तो प्लस। मैंने आपको तब भी ये बात बताया था, को वाले जितने फॉर्मूले है ना वो उल्टे होते, को पास वाले कोल है ना, जो आपके पास होगा अगर वो कुछ कह दे आपको गलत तो आपको गुस्सा चढ़ता, प्रॉब्लम लगती, अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ऐसे कैसे कह दिया। सेम हियर, कॉज वाले हर फॉर्मूले में उल्टा होगा, हर फॉर्मूले में उल्टा होगा, ओके जी। तो अब आगे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो है टेन ए प्लस बी, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, ओके। अगर माइनस का माइनस इधर प्लस इधर, सिर्फ फॉर्मूले, फॉर्मूले आ गए तो तुम सक्सेसफुल हो गए, और लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है। आज मैंने साइन कॉस टेन के बताए, लर्न करके रखना, फिर क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैंने सारे फॉर्मूले कराने, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये आती है हमें पता ही नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला किधर लगाना है, हम अलग अलग करके कर चुके हैं, ठीक है, ओके। चलो जी, गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।